मेरे पास एक शार्क टीवी आया है 21 इंच का। अल्ट्रासाउंड नहीं है, नॉर्मल है। उसका प्रॉब्लम था, वो स्टैंड बाई आके स्टार्ट हो जा रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है, स्टे प्रोटेक्शन में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसका पहले तो ये व्यू कटा हुआ था। ठीक है, व्यू चेंज कर दिया मैंने। व्यू चेंज करने के बाद मैंने ये रेगुलेटर चेंज करने के बाद भी ये ओके नहीं हुआ। इसका जब मैं प्रोटेक्शन पिन खोल रहा था, जिसका नंबर आप देख सकते हैं 497 का जम्पर, इसको ओपन करने के बाद सिरिंज जल रहा है, शॉर्टिंग बता रहा है। ठीक है, स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन इसका प्रोटेक्शन ओपन करने के बाद भी ये रेडी नहीं हुआ। मैंने वर्टिकल एसी चेंज करके देख लिया, इसका 180 का कैपेसिटर चेंज करके देख लिया, लेकिन इसका प्रॉब्लम मैंने ये रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया। देख सकते हो इधर ये वाला रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये रेडी हो गया। ठीक है, मैं फिर से वर्टिकल एसी को लगा दूंगा उसका। इसका मैंने एसटीआर भी चेंज करके देख लिया था, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। इसका ये वाला ओपन करने शॉर्टिंग बता रहा है, इसकी वजह से।